नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर कई सवाल खड़े करती है और सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो भ्रष्टाचार को रोकें, वो कानून व्यवस्था को सुधारें, अगर वही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएंगे तो फिर इस देश का क्या होगा, इस जम्मू कश्मीर का क्या होगा। SHO पंथा चौक और उनके एक साथी पर गंभीर आरोप लगे और ACB ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मामला है 8 लाख रुपए की रिश्वत का। ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। SHO पंथा चौक जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। SHO पंथा चौक अजीम इकबाल खान, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर पंथा चौक अजीम इकबाल खान जो है, उन्होंने 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की और इसके लिए उन्होंने अपने एक एसोसिएट यानी कि अपने एक साथी मुश्ताक अहमद अब्बासी को आगे किया कि आप जाओ और 8 लाख रुपए की रिश्वत लेकर आओ एक रिपोर्ट के एवेज में। और इस पूरे मामले में 5 लाख रुपए की रिश्वत की पहली किस्त भी ले ली गई थी, जो कि SHO अजीम इकबाल खान के घर से सर्च के दौरान बरामद हुई। SHO पंथा चौक आजिम इकबाल खान के घर से जिस वक्त सर्चिस की गई, वो 5 लाख रुपया भी रिकवर हुआ जो उन्होंने रिश्वत के तौर पर पहली किस्त जो है वो शिकायतकर्ता से ली थी। और ये पूरा मामला है दरअसल एक हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर का। दरअसल एक हादसा हुआ था जिसमें ये हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था, डैमेज हो चुका था और एक व्यक्ति की भी इस हादसे में मौत हुई थी। इसके बाद ये जांच जो थी ये SHO पंथा चौक को गई, यानी कि आजिम इकबाल खान के पास गई। उन्होंने इसमें मामला दर्ज किया और एक व्यक्ति को बुक किया, लेकिन जो व्यक्ति था उसे अपने हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर का इंश्योरेंस क्लेम करना था और इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो एक्सकैवेटर सीज था उसकी एक रिपोर्ट यानी कि पुलिस रिपोर्ट उस व्यक्ति को चाहिए थी। और जिस वक्त उस व्यक्ति ने SHO पंथा चौक से ये कहा कि उसे एक पुलिस रिपोर्ट दी जाए, तो SHO पंथा चौक ने जो है उससे 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और रिश्वत के लिए अपने ही साथी मुश्ताक अहमद अब्बासी को जो है वो बीच में लाया कि तुम इससे पैसा लो। और जो जानकारी मिली है कि 5 लाख रुपए की पहली किस्त भी SHO ने ली जो उसके घर से बरामद हुई, यानी कि हार्ड कैश जो थी वो उसके घर से बरामद की गई। और इस पूरी घटना में, इस पूरे इंसिडेंट में जो शिकायतकर्ता है उसने ACB को शिकायत की कि इस प्रकार से ये पूरा मामला है कि उसे एक रिपोर्ट चाहिए अपने डैमेज हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर की, जिसके लिए जो SHO पंथा चौक है वो उससे 8 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है और 5 लाख रुपए की रिश्वत उसने दे भी दी है। इसके बाद जो बाकी की किस्त है उसकी मांग की जा रही है और उसे रिपोर्ट नहीं दी जा रही। जब ACB ने यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन इल्ज़ामों की जांच की तो उन्हें ये लगा कि वाकई में इल्ज़ाम गंभीर है, इल्ज़ाम सही है और इस पर एक FIR लॉन्च की गई, एक ट्रैप बिछाया गया और इस ट्रैप के तहत जो दूसरी किस्त थी वो भी SHO पंथा चौक को जो है वो दी गई, यानी कि आजिम इकबाल खान जम्मू कश्मीर पुलिस में जो नौकरी करते हैं और पंथा चौक में बतौर स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, उन्हें दूसरी किस्त भी दी गई। और जिस वक्त दूसरी किस्त उन्होंने पकड़ी, उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ए ट्रैप वॉज सेट बाय द ACB लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ इंस्पेक्टर खान एंड अब्बासी वाइल एक्सेप्टिंग द रिमेनिंग ब्राइब अमाउंट ऑफ 1.5 लाख रुपीज, यानी कि 1.5 लाख रुपए की दूसरी किस्त जो थी वो ट्रैप के तौर पर इन दोनों को दी गई और जिस वक्त इन दोनों ने ये किस्त पकड़ी ये गिरफ्तार हो गए। इसमें हमें आपको एक और बात बता दूं कि 1.5 लाख रुपया हार्ड कैश था और 50,000 रुपये का चेक भी इन्होंने लिया था। और इसके बाद जब सर्चिस की गई तो इसमें 5,36,000 रुपये इंस्पेक्टर खान के ऑफिशियल रेसिडेंस से बरामद हुआ, यानी कि आजिम इकबाल खान का जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ से 5,36,000 रुपये हार्ड कैश बरामद हुआ जो उसने पहली किस्त, रिश्वत की पहली किस्त जो है शिकायतकर्ता से ली थी। यानी कि एक डैमेज हाइड्रोलिक का एक्सकैवेटर का मामला, एक हादसा, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, मामला पुलिस के पास, पुलिस ने जांच करने की बजाय
सही रिपोर्ट देने की बजाय रिपोर्ट के एवेज में 8 लाख रुपए की मांग कर ली कि आप 8 लाख रुपया देंगे तो ही आपको रिपोर्ट देंगे, और वो रिपोर्ट उस व्यक्ति के लिए इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि उसे इंश्योरेंस क्लेम करना था। और जब वो व्यक्ति मजबूर हो गया, उसने 5.5 लाख रुपए की, लगभग 5,36,000 रुपए की पहली किस्त भी दे दी, तब भी उसे रिपोर्ट नहीं दी गई। इसके बाद वो व्यक्ति परेशान हुआ, उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की, एंटी करप्शन ब्यूरो ने आगे एक्शन लिया और इस एक्शन में SHO पंथा चौक इकबाल आजिम इकबाल खान और उसका साथी मुश्ताक अहमद अब्बासी, ये दोनों रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए 1.5 लाख रुपए की दूसरी किस्त और 50,000 रुपए के चेक के साथ। तो एक बड़ी ही शर्मनाक घटना है कि इस प्रकार से जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है देश को आगे बढ़ाने की, देश में एक सुरक्षित माहौल देने की, भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाने की, वही लोग अगर इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो लोगों का ट्रस्ट खाकी पर है कहीं ना कहीं वो डगमगाता है, वो हिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिलहाल ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं रंगे हाथों। बोथ सस्पेक्ट्स वर अरेस्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द एंटी करप्शन कोर्ट इन श्रीनगर। अब इन्हें एंटी करप्शन कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन बाकी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्हें यह लगता है कि उनके भ्रष्टाचार को कोई देख नहीं रहा, वो भी इससे सबक ले ले कि जब समय खराब आता है तो हर चीज़ एक्सपोज हो जाती है। यहाँ पर तारीफ करनी होगी जिसने शिकायत की, हालांकि उसने अगर पहली किस्त यानी कि 5,36,000 रुपये की दी, वो उसने गलती की, क्योंकि अगर रिश्वत लेना अपराध है तो रिश्वत देना भी अपराध है। आप लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ACB या और भी जो एजेंसीज हैं उनसे संपर्क करें, वहां पर शिकायत करें, क्योंकि सरकारी सिस्टम को साफ करना आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। और इसीलिए इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा ये किसी दूसरे के साथ भी ऐसा करेंगे और लाखों रुपये की रिश्वत ये ऐंठते रहेंगे और कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति जो है वो हरास होगा, वो सफर होगा, उसका विश्वास जो है वो वर्दी पर से हटेगा और कहीं ना कहीं आगे परिस्थितियां जो है वो और ख़राब होंगी। तो फिलहाल SHO पंथा चौक जो है वो SHO पंथा चौक आजिम इकबाल खान और उनके एसोसिएट, उनके साथी भ्रष्टाचार में उनके साथी मुश्ताक अहमद अब्बासी, ये दोनों रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 लाख रुपए की जो रिश्वत इन्होंने मांगी थी वो भी बरामद हो चुकी है और अब इन पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन इस खबर से सबक लेने की ज़रूरत है, सुधरने की ज़रूरत है और सुधारने की भी ज़रूरत है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो रिश्वत मत दीजिए, शिकायत कीजिए, कार्रवाई ऐसी ही होगी। नमस्कार।